सुप्रभात प्यारी बच्चियों, पिछली कक्षा में हमने वर्णों के बोल में वर्ण के दो भाग पढ़े, अर्थात वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अपने आप में पूर्ण है, परंतु व्यंजन वर्ण को पूर्ण होने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। स्वर वर्ण को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर हो गए चार, जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर हो गए तीन, आ, ई और उ। संयुक्त स्वर हो गए ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात चार। तो कुल कितने वर्ण हो गए? ग्यारह। तो स्वर वर्ण कितने हुए? ग्यारह। और व्यंजन वर्ण को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया और व्यंजन वर्ण में 33 वर्ण बताए गए। 33 वर्ण के साथ साथ 5 नए वर्ण भी जुड़े हुए हैं। और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीन व्यंजन वर्ण हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 हुए, अंतस्थ व्यंजन 4 हुए और ऊष्म व्यंजन 4 हुए। अंतस्थ व्यंजन 4 य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन 4 तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। और आज हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन कुल कितनी होते हैं, संख्या में कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन संख्या में कुल 25 होते हैं। और इस स्पर्श व्यंजन को भी 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में, अर्थात 5 वर्ग में बांटा गया है इसे। अब आगे पढ़ते हैं आपकी पुस्तक में। हमने यहां तक पढ़ लिया था, यहां से शुरू कर रही हूं। आचार्य मृगेंद्र, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को समझाओ। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और आचार्य ने मृगेंद्र से उन 5 वर्गों को समझाने के लिए कहा। मृगेंद्र, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो पहला वर्ग हो गया क वर्ग और इसका उच्चारण कंठ से होता है और इसमें आ गए क, ख, ग, घ और अंग। ये हो गया क वर्ग। दूसरा वर्ग है च वर्ग। क्या है? च वर्ग और इसका उच्चारण तालु से होता है और इसमें आते हैं च, छ, ज, झ और इय। तीसरा होता है ट वर्ग। ट वर्ग क्या होता है? ट वर्ग और इसका उच्चारण मूर्धा से होता है और इसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारे स्थान हैं जहां से कि वायु, ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो इन इन स्थानों को स्पर्श कर कर निकलती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन में क वर्ग में कंठ से बोला जाता है और इसमें क, ख, ग, घ अंग आते हैं। च वर्ग में तालु से बोला जाता है और इसमें च, छ, ज, झ यह वर्ण आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण आता है और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब है त वर्ग और इनका उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत और इसमें आते हैं वर्ण त, थ, द, ध और न। और आखिरी वर्ग है प वर्ग और इनका उच्चारण स्थान है
ओष्ठ, ओष्ठ अर्थात ओठ, प फ ब भ और म। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं और इस 25 वर्ण को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और ये 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पष्ट है? आगे आचार्य विजयेंद्र 5 नए व्यंजन कौन कौन से हैं? विजयेंद्र अक्ष, त्र, ज्ञ, ड और ड 5 नए वर्ण हैं। इनमें 3 संयुक्त वर्ण हैं, जो कि अक्ष, त्र, ज्ञ और ड और ड के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ड और ड बनाए गए हैं। अब विजयेंद्र से आचार्य जी ने पूछा कि ये 33 वर्ण व्यंजन वर्ण तो ठीक है, समझ में आ गया कि स्पर्श व्यंजन में 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन में 4 हो गए, उष्म व्यंजन में 4 हो गए। अब इसके अलावा जो 5 नए वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनके बारे में बताओ। तो उनमें बताया गया कि उसमें से जो 3 है, जो आपका पहला अक्ष, त्र और ज्ञ, ये जो 3 वर्ण हैं, ये संयुक्त वर्ण भी हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के जोड़ से बने हैं। अक्ष आधा क और श के जोड़ से बना है, त्र त और र के जोड़ से बना है, ज्ञ ज और इय के जोड़ से बना है। और इनके अलावा कहा जाता है अगर ड और ढ के नीचे बिंदी लगा दी जाए तो ये 2 नए वर्ण बन गए, ड और ड। तो ड से क्या होता है? घोड़ा होता है ना, और ढ से पढ़ना, ओढ़नी। तो इस प्रकार से ये 5 नए वर्ण हो गए, अक्ष, त्र, ज्ञ, ड और ढ। आचार्य अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हल से क्या समझते हो? आचार्य जी ने पूछा विजेंद्र से कि अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हल से क्या समझते हो? विजेंद्र, अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, इसमें भी स्वर की मदद ली जाती है। अर्थात अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि जो होती है वो हमारे नाक से निकलती है। अर्थात आप बोलो अंगूर, अंगूर, तो आपकी नाक थोड़ी ऊपर हो जाती है, मतलब नाक से आवाज निकल रही है। तो अनुस्वार जो है उसको बोलने में ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। अनुस्वार के बोलने में ध्वनि कहाँ से निकलती है? अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, ठीक है। स्वर वर्ण इसके पहले आता है, अतः उच्चारण दीर्घ हो जाता है और इसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। जैसे अंग, अंगूर, कंगन, अनुस्वार बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर आता है और अनुस्वार जो है वो बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लगता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और विसर्ग विसर्ग का उच्चारण, ये है विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। अर्थात जब प्रायः बोलते हैं ना अतः, तो ह, ये ह विसर्ग है, तो इसके बोलने में ये इसका उच्चारण ह की तरह लगता है। विसर्ग भी स्वर के बाद आता है और यह भी स्वर के बाद ही आता है। तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे पयः पानः, पयः पान, प्रातः काल, प्रातः बोलते ना तो ह जैसा लगता है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। अब है अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में श्वास का कुछ अंश नाक से
और कुछ अंश मुख से निकलता है। अर्थात अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो उससे जो ध्वनि निकलती है वह कुछ नाक से निकलती है और कुछ मुख से निकलती है। उच्चारण में लघुता अर्थात हर्ष्व की स्थिति है। इसका उच्चारण चंद्र बिंदु है, जैसे गांव, दांत, आंगन। अनुनासिक चंद्र बिंदु। अब जैसे हम बोलते गांव, इसमें हमने चंद्र बिंदु लगाया, तो जब हम गांव तो अर्थात कुछ शब्द, कुछ ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है और कुछ हमारे नाक से निकलती है। हल व्यंजन वर्ण के नीचे लगी तिरछी रेखा को कहते हैं हल। हल किसे कहते हैं? वो क्या खेतों में चलाने वाला हल? नहीं, हल ये देखिए, हल हलंत को कहते हैं। किसी भी वर्ण के नीचे तिरछी रेखा को कहते हैं, ठीक है। व्यंजन में स्वर वर्ण का अभाव है, अतः व्यंजन आधा है। तो जब भी कोई व्यंजन वर्ण अधूरा होता है तो वह इस रूप में ही लिखा रहेगा, अर्थात यह अधूरा है, क अधूरा है, ख अधूरा है। परंतु यह जब स्वर के साथ जुड़ जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा, तब इसके नीचे से यह हलंत हट जाएगा। इस प्रकार से आज आपने पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जिसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग का अपना उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, दंत अर्थात दांत। 5 नए वर्ण हैं। 5 नए वर्ण कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, ळ और र, और अनुस्वार जो कि नाक से बोला जाता है, विसर्ग जिसमें ह का उच्चारण स्पष्ट होता है, अनुनासिक चंद्र बिंदु जो कि आधा नाक से बोला जाता है और आधा मुख से बोला जाता है, और हल अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण जब अधूरा लिखा जाएगा तो वह इस रूप में लिखा जाएगा और उसके इस रूप को हल कहते हैं। इस प्रकार से आपका यह संपूर्ण पाठ समाप्त होता है। अगर कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास दिया गया है, आप लोग बेझिझक मेरे नंबर पर मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। परंतु पाठ को भली भांति पढ़कर समझना है और यह अति आवश्यक है, क्योंकि अभी आप अगर नहीं समझेंगे तो आगे आपको और कठिनाई हो जाएगी। तो पाठ को पढ़कर इससे संबंधित जो भी कार्य दिए जाएंगे वह आपको करना है। धन्यवाद बच्चियों।